तो जी हेलो जी, राम राम जी सभी को। और आज हम फिर से एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया से गई मालती चौहान की जान। हाँ जी, तो ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ इसका कारण मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। प्लीज आप पूरी वीडियो जरूर देख कर जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, तो मैं बता देती हूँ बहनों, वैसे तो वही बात है ना कि भाई जैसे मैं यूट्यूब पर, आपको सब लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर सक्रिय हूँ, तो मेरे सामने जो है वीडियो आती रहती हैं लोगों की। जैसे कि भाई हम लोग अगर यूट्यूब पर रहेंगे और देखते रहेंगे तो हमारे सामने वीडियो आती रहेंगी। मैं मालती चौहान को पर्सनली नहीं जानती हूँ, ये मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मैं यूट्यूब पर सक्रिय हूँ, तो उस वजह से मेरे सामने वीडियो आती रहती हैं और मैंने उसकी खूब सारी वीडियो जो है वॉच की हैं, जो लोगों ने बना रखी है वो भी देखी हैं और उसकी खुद की वीडियो भी देखी हैं। तो जैसा मेरे को मतलब उनसे महसूस हुआ, जैसे वो वीडियो मैंने देखी हैं, उनसे मेरे को जो मुझे लगा वो मेरा ओपिनियन मैं रखूंगी इस पर। आप लोग भी अपनी राय जरूर देके जाना कि भाई मैंने सही कहा या गलत। तो जी मैं आपको बता दूं बहनों, पहले तो मालती चौहान एक यूट्यूबर हैं और बहुत ही बड़ी यूट्यूबर है, उनके खूब सारे चैनल बना रखे हैं। उसने खुद ने जो है उसके दो चैनल मेरे सामने आए हैं, खुद के दो वो बाद में बनाए हुए हैं अभी लगभग शायद 4 महीने पहले के, और एक उसके हस्बैंड का चैनल है जो कि उनका मतलब दोनों का सम्मिलित था। तो एक मैंने वीडियो देखी है, उसमें मैंने देखा है कि मालती चौहान जो हैं वो एक बहुत ही मतलब, वैसे उनके जो घर के वीडियो वो भी देखे तो स्थिति से सबको पता ही लग जाता है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना वैसे, कि मालती जो है वो एक बहुत ही गरीब घर से है, साधारण परिवार से भी नहीं बोलूंगी मैं, साधारण में तो वही बात कहते हैं ना कि भाई जरूरतें मतलब आसानी से पूरी हो सके, वो एक साधारण परिवार में आ जाता है और बहुत ही गरीब परिवार से मेरे को लग रही है वो है। तो उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जैसा उसका मतलब है कि उनके परिवार ससुराल वाला जो है वो बकरियां वगैरह चरा करके उनका गुजारा होता है, इस तरीके का कुछ उनका परिवार है। तो मालती एक दिन अपने पति को बोलती है कि भाई क्यों ना हम YouTube पर वीडियो बनाएं, हम लोग भी पैसा YouTube से कमाने लगेंगे। तो उन्होंने भी मतलब मिलजुल करके दोनों ने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। उनके अच्छे खासे चैनल चल रहे हैं, एक तो पक्का ही उनका जॉइंट मुझे ध्यान में है, बाद में तो चलो वो अलग से हो गए थे, लेकिन पुराने शायद एक से एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, और नए जो दो चैनल है, एक उसके खुद के नाम से एक उसके बेटे के नाम से, उसने दो चैनल अभी अभी बनाए। तो जैसा मैंने मालती ने मतलब जो मरने से पहले जो वीडियो उसने बनाई हुई है, उससे मुझे मेरे मतलब जो दिमाग मेरा जो कह रहा है ना कि उसके साथ क्या क्या मतलब गुजरी है, वो मैं पूरा एक ही वीडियो में निष्कर्ष निकाल लिया मैंने उसकी में। हुआ क्या है ना कि वो कहते हैं ना कि इंसान जब एक गरीब परिवार से होता है तो उसको जैसे मतलब पैसे आने लगते हैं उसके पास, तो उसको आगे से आगे ऐसे लालच हो जाता है। तो सभी वीडियो को देख के मैं ये अंदाजा लगा रही हूं कि उसके जो हस्बैंड है, जैसे उसने बताया भी कि मेरे अगर यूट्यूब का चैनल डाउन हो जाता था तो वो मेरे को मारते थे, पीटते थे, इस तरीके से वीडियो मतलब उनको एक पैसे की ये हो गई थी कि भाई अच्छा खासा उन्होंने घर भी बना लिया था, तो अच्छे खासे पैसे उनके खूब बहुत अच्छी इनकम होने लगी थी। तो मतलब क्या है ना कि कहते हैं ना कि इंसान पैसे के सुरूर में इतना डूबता जाता है ना कि उसको ये नहीं पता होता है कि भाई वो क्या कर रहा है जिंदगी में। जब उनके पास, जब कहते ना किसी के पास दो वक्त की रोटी के खाने के लाले होते हैं और उनके पास अचानक से ऐसे पैसा आने लग जाता है, तो उनको जिंदगी समझ में नहीं आती है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है भैया। इसीलिए लोग कहते हैं कि पैसे वाला ही पैसे को सही जगह पे शिफ्ट कर सकता है। जैसे बड़े बड़े लोग है ना, अंबानी वगैरह, ये टाटा बिड़ला जो भी है, इनको ही पता है कि पैसा किस जगह से आएगा और उसको कहाँ पे मतलब उसको खर्च करना है, कैसे मतलब क्या है। तो और एकदम से अगर गरीब के पास पैसा आ जाए, अचानक से इतना पैसा आने लग जाए, तो उसको समझ में नहीं आता, वो एकदम से जिंदगी को, जो नॉर्मल वाली जिंदगी को भूल जाता है और बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि हवा में उड़ने लग जाता है। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आई और ऐसे करते करते मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसकी जो वीडियो मैंने देखी है ना, उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि हकीकत ये थी कि उसने उसके हस्बैंड जो थे वो उसको धकेल रहे थे एक प्रकार से, उसको किसी भी तरीके के मतलब YouTube के ऊपर पैसे कमाने के लिए उसको धकेल रहे थे किसी भी तरीके के कार्य में और में। तो पहले जब उसको पता लगता है कि भाई इसके साथ है, इस आदमी के साथ ये मेरी पत्नी इस तरीके से हो रही है, अगर उसको उससे इतना ही प्यार था तो उसी समय उसको
संभल जाना चाहिए था और उस व्यक्ति से उसको दूर कर लेना चाहिए था, क्योंकि बड़े सारे यूट्यूबर तो आप बन ही गए थे। आप सिर्फ, मैंने देखा है खूब सारे बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, घर से बाहर नहीं जाते और घर बैठे ही अच्छे अच्छे खासे कमा लेते हैं। तो खुद का, दोनों का अच्छा चल रहा था, तो उसी समय इसको संभल जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मालती ही अकेली किसी व्यक्ति के संपर्क में गई है, खुद भी तो अगला गया है ना, इसीलिए उसको लगा है कि भाई अब मैं, वो उसको आजाद नहीं कर रहा था, उसने बोला है कि भाई मैं, मतलब वीडियो में उस जिसके साथ उसकी मंदिर में जाके उसने शादी की है, उसने ये बोला कि मैं तेरे को आजाद कर रहा हूं, वो आजाद उसको नहीं कर रहा था उस वक्त। लेकिन वो तो बोली, मतलब इतनी ज्यादा होशियार नहीं है और न ही उसको दुनिया की चालबाजी का और इसका अंदाजा लगा। वक्त रहते, कहते ना कि वक्त रहते उसको अगर अंदाजा लग जाता ना तो वो आज इस कदम तक नहीं पहुंचती। अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप लोग, जैसे कि मालती चौहान का चल रहा है कि भाई मालती चौहान की मृत्यु हो गई, उसको उसने सुसाइड किया है या उसको मारा गया है, ये तो पुलिस जांच में पता लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर उसने सुसाइड किया है खुद ने, तो वैसे ही वो परिवार वाले तो निकल के आ जाएंगे, जांच होगी तब। और अगर उसने नहीं किया है तो भी, आजकल कहते हैं ना भैया जांच में सब ये वाले पैसे के चक्कर में, पैसे के बल पे सब गलत को सही भी किया जा सकता है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है उसकी बातों से, मैंने उसकी वीडियो देखी है, कि मालती ने तंग आकर के ऐसा कदम उठाया है। मैं नहीं कहूंगी कि शायद उसने खुद ने सुसाइड नहीं किया है, मारा है उसको, जो भी हुआ है उसके साथ गलत हुआ है, मालती के साथ, उसको इंसाफ पता नहीं। हमारे देश में तो वही कहते हैं ना, बड़े बड़े कांड करने वाले ही ऐसे निकल जाते हैं, तो पता नहीं उसको इंसाफ मिलेगा कि नहीं। बट मैं इतना जानती हूं कि जब वो आदमी इतना हवा में जो उड़ रहा है ना, मालती का हस्बैंड और वो लोग, एक बार जेल की हवा जब खा ली है उन्होंने, तो भेज दिया है, जेल की हवा खाएंगे ना तब वो जिंदगी को अच्छे से समझ के जरूर निकलेंगे बाहर। और उस अब उनके पास ना हाथ मसले के अलावा कुछ नहीं रहेगा, बाहर निकलेंगे ना वो, तो उसके बाद अपने आप पे पछतावे के अलावा उनके पास कुछ ही नहीं है। तो वीडियो मेरी अक्सर लंबी हो जाती है, तो मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ बहनों कि क्या है ना, कि मैंने उसकी वीडियो से निष्कर्ष निकाला है कि मालती का और उसके हस्बैंड का, मतलब किसी तरीके से उसके हस्बैंड ने उसको चक्कर में फंसाया है और उसको घर से बाहर निकाल दिया था। भाई वही कहते ना कि उसको धकेल के, इस अंधकार में धकेल के उसको घर से बाहर निकाल दिया, वो समझ नहीं पाई इस बात को। और अब वो जाए तो जाए कहां, अब वो चली गई अपने पीहर। अब मैंने जो है सोशल मीडिया के लिए क्यों बोला है, मैं आपको बता देती हूं सोशल मीडिया की वजह से उसकी मृत्यु क्यों हुई। उसने बोला कि आप लोग मेरे घर आ रहे हो, मेरे को बार बार मेरे ससुराल जाने के लिए बोल रहे हो, ये कर रहे हो, तो मैं बता दूं आपको भैया, जो भी मीडिया वाले, जो भी सोशल मीडिया वाले हैं, मीडिया नहीं सॉरी सोशल मीडिया पे, मतलब लोगों का इतना हो रखा है ना कि न तो मरा हुआ देखते हैं, न बीमार देखते हैं, कुछ नहीं देख रहे लोग, व्यूज के लिए कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो किसी ने उसकी स्थिति नहीं समझी कि भई ये कितनी परेशान होगी, एक गरीब घर से वो थी, उसके पास जब अगर कोई आता है और उसको उसकी आव भगत करने के लिए, मान लो वो कुछ कर नहीं पाती है, तो गिल्टी फील होता है कि नहीं, कि भई मेरा घर जो था, लोग जैसे उसके घर पे जा रहे थे, जिसका नाम उसने यूट्यूब हाउस दिया था, उस पे जा रहे थे, तो उसके पास वो कहते हैं ना कि सारी सुख सुविधाएं उसने वहां पे कर ली थी। अगर वो पीहर वाले घर में लोग ऐसे पूरा दिन उसको, मतलब परेशान ही किया है ना उसको, आप लोगों ने अच्छा नहीं अनुभव करवाया उसको। कहते हैं ना कि आप लोग जैसे जा जाके उसके बार बार बेचारी के मुंह के आगे आप लोगों ने लगाए होंगे, फोन ले ले गए होंगे आप लोग की भी आप मालती चौहान यहाँ आ गई, मालती चौहान यहाँ आ गई। तो इस वजह से वो अपने रिश्ते को तो शायद किसी तरीके से बचा लेती हो, बट उसने आप लोगों से परेशान होकर के साफ साफ बोला हुआ है वीडियो में कि भाई मैं, अगर मैं, मेरे में कुछ होता है तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। तो मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया वालों से कहना चाहूंगी, कब आप लोग सुधरेंगे और कब किसी को चैन की जिंदगी जीने दोगे। आजकल मैं देख रही हूं जैसे कि भाई ये कोई भी, मतलब शहीद कुछ भी लगा लो आप, किसी के भी ऐसे मौत वगैरह हो जाती हैं, तो मेरे हिसाब से रोने का भी मौका नहीं मिलता है उन लोगों को।
जैसे कोई दुर्घटनाग्रस्त मौत हो जाती है या फिर कोई शहीद हो जाता है, तो अच्छे से पहले पहल क्या होता था कि सिर्फ अखबार में न्यूज आती थी या फिर मीडिया वाले बड़े शहरों में से आते थे और वो उनकी सिर्फ वीडियो बनाते थे। वो भी एक मतलब कहते ना कि एक होता था उनका कि भाई आज नहीं कल है, आज का दिन ऐसा है कल ऐसा होगा, बाहर से ही वीडियो वगैरह बना के। आजकल क्या होता है, फोन ले लेके और अगले के मुंह के ऊपर ऐसे लगाते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि एक औरत हो चाहे आदमी हो चाहे भाई हो चाहे किसी का बहन हो, वो लोग तो मतलब अच्छे से रो भी नहीं पाते, वो भूल ही जाते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसा कुछ हुआ है। बस उनको भी यही रहता है कि भाई हमें क्या बोलना है, अब कोई आएगा पूछेगा उसे हमें क्या बोलना है क्या करना है, ये वाला रहता है। तो भैया मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, सोशल मीडिया पे अपने बलबूते पे ही जाइए, आगे सही रहोगे, किसी को इतना भी परेशान मत करो। मैं बता देती हूँ आप लोगों की वजह से वो क्यों परेशान हुई है। मैंने देखा है अक्सर कि कहते हैं ना कि जब पति पत्नी का रिश्ता ऐसे मतलब हर किसी का ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि सबके भाई बहुत बढ़िया होते हैं। मान लो गलती उससे हुई तो गलती उससे भी हो रखी है, ये तो है नहीं कि वो दूध का धुला हुआ है मालती जवान का हस्बैंड। लेकिन अगर वक्त उनको मिलता ना, कहते हैं ना कि समय, हर रिश्ते में एक ठहराव की जरूरत होती है, वो ठहराव उनको नहीं मिल पाया। अगर उनको वक्त मिल जाता ना अपने रिश्ते को सुधारने का, कहते हैं कि समय के साथ हर गलती माफ की जाती है, भूल जाते हैं समय के साथ हर गलती को लोग भूल जाते हैं। तो अगर आप लोग उसको परेशान नहीं करते तो शायद वो अपने घर पे अगर पीहर चली गई थी, वहां पे अपना मतलब कुछ वीडियो से कुछ ऐसे करने लग जाती, तो वहां उसको रहने सुख से अगर वो रह जाती ना वहां पे, मतलब शांति से। सुख तो कहाँ मिलना है जिंदगी में, वो ही कहते हैं ना कि पंगे ही ऐसे कर रहे थे सुख। हाँ, समय के साथ अगर वो बदल जाते तो आज ये दिन उसको नहीं देखना पड़ता, न तो उसके हस्बैंड को ये दिन देखना पड़ता कि भाई वो आज जेल की हवा खा रहे हैं, और न ही मालती चौहान आज इस दुनिया से जाती, अपनी जिंदगी जी रही होती। किसी का कुछ नहीं बिगड़ना है इसमें। मैंने देखा है लोग है ना भैया, मैं आ रहे यहाँ तो इधर तो अगर मौत वगैरह हो जाती है तो हमारे यहाँ तो 10 10 12 12 दिन का शोक चलता है, और ऐसा कुछ होता नहीं है। ये इतना इतना मेकअप वेकअप करके ये जो फिर रही है, एक तो आ रहा है मैंने देखा है रो रहा है उसके बच्चे को, ऐसे थोड़ा सा उसको दिखाता है फिर खुद आ जाता है मुंह मांड के। भाई ये नहीं है कि हम लोग, आप लोग कहोगे कि आप देखते ही क्यों, देखने की बात मैं ये बता दूं बहनों आपको कि भाई क्या होता है ना कि YouTube के ऊपर ऐसे स्क्रॉल करते हैं ना तो ऐसे आगे आ जाती है, तो कभी कभार उसको खोलते हैं, खोलते ही एक बार असली चेहरे की झलक होती है, फिर पीछे से इतना बड़ा सा मुंह निकल के आता है, या तो खूब सारी ऐसे सज धज वाली आती है या ऐसा बड़ा सा मुंह वाला आता है उसके पीछे। तो वो झूठे तमाशे कर रहे होते हैं, हे मेरा बाबू मेरा ये, अरे किसका कुछ नहीं गया आप लोगों का, आप लोग तो व्यूज पाओ, वैसे भी आपकी साइड में यही चल रहा है, कुछ है नहीं। ठीक है, आप लोग तो व्यूज के लिए किसी की जिंदगी देखते ही नहीं हो, क्या है क्या नहीं है। तो मेरे भैया सभी से यही हाथ जोड़कर अनुरोध है, ऐसा अगर आप लोगों की जिंदगी में कुछ चल रहा है तो अपने रिश्ते को प्लीज ठहराव दीजिएगा, और मालती चौहान के जैसे कोई भी बहन या भाई सोशल मीडिया से परेशान होकर। हाँ ये भी मैं बता दूं कि अगर सोशल मीडिया पर मालती चौहान नहीं होती तो आज जिंदा होती, क्यों? क्योंकि इसी के जरिए उसका उसने ये आबो हवा मिली, और उसने मतलब समझ नहीं पाई वो समय रहते कि मेरी जिंदगी किस ओर जा रही है। उसको धकेला जा रहा था व्यूज के लिए, उसके हस्बैंड ने उसको धकेला है इस दलदल में। वो जब मीडिया में मतलब सोशल मीडिया पर या इस पर आई, चैनल वगैरह बनाए, तब वो कुछ नहीं जानती थी बाहर की ज्यादा दुनिया के बारे में। जो जो, जो वो धीरे धीरे वो फेम कहते हैं ना, मिलता गया ना उसको, प्रसिद्ध होती गई ना वो, तो उसका लोगों से संपर्क होता गया। और कहते हैं कि एक सेब, वो कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो अगर अच्छे मतलब कुछ समझदार, क्या उम्र है उनकी आप ये बताइए, अब तजुर्बा जिंदगी का कुछ भी नहीं था उसको, इसीलिए वो अपने पति के इशारों पर नचती चली गई और आज जिंदगी से चली गई। बट मैं इतना बता दूं आप लोगों को कि अगर उनके रिश्ते को एक ठहराव मिलता, अगर उसे कहीं पे सुकून मिलता, शांति मिलती। अब देख लो आप उसके पिताजी को, लोग है ना मुंह के आगे ऐसे बोलवा बुलवा के उससे कुछ उगलवा रहे हैं, क्यों भैया क्यों झूठे उगलवा रहे हो? पुलिस अपने आप उगलवा लेगी ना, प्रशासन है ना, वो अपने आप कह देगा ना अगलों से, मतलब उसके पिताजी से कुछ कुछ बुलवा के अभी जो ऐसे ऐसे
क्या बटना है आप लोगों का? कुछ नहीं बटना है, मैं बता देती हूँ। हाँ, व्यूज जरूर कमाओ, आप लोग पैसे कमा सकते हो आप, बट कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों से। जो करेगा प्रशासन, पुलिस करेगी, ठीक है? तो फालतू की बकवास जो है ना, वो यूट्यूब के ऊपर फेंक फेंक के व्यूज पाते हो, जिंदगी सबकी ऐसी ही होने वाली है आप लोगों की, बता देती हूँ। और अगर मेरा टॉपिक किसी बहन को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करके जाइएगा वीडियो को। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।